Ask MBA and my name is Sneha. As you must have seen many of our videos, and today I'm going to talk about Maharashtra CET. So इससे पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा videos बनाए जिसके अंदर हमने बात किया कि CET का exam का कैसे preparation start करना चाहिए, कौन कौन से important topics हैं जो आपको target करने चाहिए, तीन important sections के लिए जो आपका आता है logical reasoning, verbal और आपका quant, and then there is abstract reasoning too. तो logical reasoning again is a heavier side, इसमें 75 questions direct पूछे जाते हैं, and then again verbal is a very important section जिसके बारे में आज मैं discuss करने वाली हूँ कि कौन कौन से important topics हैं जिनको हमें अच्छे से करना चाहिए, विच आर स्कोरेबल ऑल्सो, एंड हाउ मेनी क्वेश्चन कैन यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट. तो गाइस इससे पहले प्लीज़ मेक श्योर यू आर लाइकिंग आवर वीडियो एंड प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन टू. एंड देर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट ऑन 10th of January अपन ठेवणार आहे एक वर्कशॉप. ठीक आहे, एक वर्कशॉप है जो रहेगा पूना और ठाणे दोनों जगह पे CET के लिए, विच इज गोइंग टू बी फ्री. ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज द नंबर्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जस्ट कॉल और व्हाट्सएप देम एंड आई वॉन्ट टू अटेंड दी CET वर्कशॉप, दैट्स इट. तो ये CET के वर्कशॉप में क्या होने वाला है, हम सारे जितने भी सेक्शंस हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस तरीके से इतने कम टाइम पीरियड में हम लोग अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड इट इज़ गोइंग टू बी इन पुणे एंड ठाणे एट बोथ द लोकेशन. सो मेक श्योर यू गाइज आर रजिस्टरिंग. प्लीज एवढे ही पुणेकर आहात ते प्लीज रजिस्टर करा आणि आपण भेटूया 10th of January. अगेन नंबर्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. ठीक आहे, तर आपण क्विकली अंडरस्टँड करूया ऑल द गाईज. अगेन प्लीज मेक शुअर यू आर लाईकिंग द व्हिडिओ. मेकिंग दिस व्हिडिओ स्पेसिफिकली कारण की मला लास्ट व्हिडिओमध्ये खूप कमेंट्स आलेले, यू कॅन ऑल्सो वॉच इट, की मॅम वी वॉन्ट अ परफेक्ट बायफकेशन की कोण कोणते इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत वर्बलमध्ये, कारण की यार महाराष्ट्र CET-मध्ये किंवा कोणतेही MBA एंट्रन्स एक्झाममध्ये वर्बल इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. वी ट्राय टू अवॉइड इट अँड वी थिंक की अरे यार होऊन जाईल, खूप जास्त इझी आहे, आपण इंग्लिश इज अ नॉर्मल यू नो लँग्वेज अँड इट कॅन बी इझिली डन इफ क्वेश्चन्स अँड ऑल आर बी ना, सो वी कॅन इझिली अटेम्प्टेड. बट ऐसा नाही आहे, वी नीड टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टंट टॉपिक्स. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टँड की CET-मध्ये इम्पॉर्टंट कोणकोणते टॉपिक्स आहे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स आहे जो CET के लिए इम्पॉर्टंट आहे. सबसे पहला चीज आता है आपका RC यानि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर डायरेक्टली 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. तो गाइस मेक श्योर कीजिए कि आप RC का प्रैक्टिस कर रहे हो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू कैन डू इट फ्रॉम एनी ऑफ द पैसेज, या कोई भी आप न्यूज़पेपर एंड ऑल रीड करते हो उसके थ्रू भी यू कैन ट्राई टू एक्यूमुलेट द आंसर्स एंड गिव अ टाइटल टू दैट पैसेज. न्यूज़पेपर से नॉर्मल आर्टिकल्स निकाल के भी आप ये चीज़ कर सकते हो, जो सेल्फ प्रैक्टिस या खुद से उन लोग यू नो स्टडी कर रहे हैं. बाकी यू कैन जॉइन अस फॉर द प्रिपरेशन टू. ठीक है, बाकी वोकैबुलरी के रिगार्डिंग अगेन 15-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपका सिनोनियम, एंटोनियम एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आता है. ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स सिंपल, देयर विल बी वन मिसिंग वर्ड, अ सेंटेंस वुड बी गिवन और आगे ऑप्शंस दिए जाएंगे जो आपको करेक्ट ऑप्शन पे करना है. इसके लिए गाइज तुम्हारा रीडिंग, मतलब आपको रीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली रहना पड़ेगा. एटलीस्ट ये 2-3 महीने हैं, न्यूज़पेपर्स रीड करो, रीड स्मॉल बुक्स एंड एवरीथिंग जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, या जो आपको लगता है कि या मुझे मे बी लव स्टोरी रीड करना है तो लव स्टोरी पढ़ लो, अगर आपको फिक्शन रीड करना है तो फिक्शन रीड कर लो, अगर कुछ यू नो एनीथिंग एशियन टाइम्स, महाभारत हो गई, आपके बाकी के बुक्स हो गए जो एशियन है वो वाले रीड, एनीथिंग विच एवर यू फील योर कम्फर्टेबल विथ, बट इंग्लिशमध्ये गाईज. सगळ्यांना इम्पॉर्टंट आहे, इंग्लिशमध्ये रीड करा, रीड इट इन इंग्लिश इटसेल्फ अँड ट्राई टू अंडरस्टँड इट. ठीक आहे, इसका आपका वोकॅबलरी में काफी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. बाकी अगेन पैरा जंबल अगेन इम्पॉर्टंट सेक्शन आता है, जिसके अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चंस अराउंड पूछे जाते हैं. देन देर इज समरी एंड ये क्या बोलते हैं, समरी एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर अगेन आपके 3-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अगेन आपके RC और पैरा जंबल के लिए भी हेल्प होगा, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये क्वेश्चंस भी ट्राई कर रहे हो. यू कैन रेफर टू बुक्स विच आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, और यू कैन गेट इन टच विथ अस. वी आर अगेन वी आर टीचिंग विद द क्रैश कोर्सेज ऑल्सो, जो आपके क्या बोलते हैं ठाणे और पुणे दोनों जगह पे है. ठीक है, ये हो गया. बाकी बचा आता है CET के अंदर वर्बल सेक्शन के अंदर आपका ग्रामर. तो ग्रामर के अंदर कौन कौन से ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, एक रहता है आपका स्पॉट द एरर, देर इज सेंटेंस करेक्शन एंड देर इज फिलिंग द ब्लैंक, जिसके आराम से अराउंड
5 to 10 questions would be asked. Again, spot the error. You have to find out the error in the sentence or the passage which is given. Uske liye again, aapka reading kafi zyada important hai. Understanding kafi zyada important hai. Uske bina nahi hoga. Theek hai? Again, filling the blanks are similar like your, yahan pe jo mention kiya tha, it's almost the similar way. Jo grammar ke andar thoda sa difficulty level ya thode sentence mein bhi do fill-ups zyada rahenge ya teen filling the blanks ke options diye jayenge. अगेन सेंटेंस करेक्शन इज देयर. तो गाइस वर्बल के अंदर ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अभी ये वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा हिंदी इंग्लिश और मराठी मिक्स किया है बिकॉज वी हैव ऑल द ऑडियंस गाइस एंड वी आर इन महाराष्ट्र. यार महाराष्ट्र के एग्ज़ाम के लिए अगर हमने मराठी में बात नहीं की तो फिर क्या. बिकॉज इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम मराठी में क्यों बात की आपने, हमें समझ में नहीं आता, आप हिंदी में बात करो. इसने हिंदी में बात किया तो बोलेंगे इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात किया तो बोलते मराठी में बात करो. तो गाइस आप ही कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दो कि मुझे किस लैंग्वेज में बनाना चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन ऑल द ऑडियंस शुड वॉच आर चैनल एंड गेट दिस इन्फॉर्मेशन. And if it is making sense to you guys, please again I always request to like and comment so that हमें पता चले कि हमें जो watch कर रहे हैं हमारे जो audience है वो किस तरीके का content पसंद करती है, किस तरीके के उनको questions हैं उनके mind में, ताकि हम उसी तरीके का video और आगे बना सकें. तो ये था verbal section के regarding in CET examination which is going to happen on 10th March, in the month of March. 10th of January को हम लोग का workshop है. तो make sure you guys are coming. We are going to be there. You Ashish sir would be there, Ajay sir would be there, I would be there. So all you have to do is register. Last time the seminar which we had in Pune was fabulous. इतने सारे participants थे. So thank you all of you जो जो आए पुणे में. And this time थाने में भी है तो register करके call करके कर दीजिए. मिलते हैं 10th of January को. Till then wishing you all guys a very happy new year. Have a safe and a blessed one. Thank you.